हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कश्मीर की घाटी में इन दिनों हो रही भारी बर्फबारी से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। जो जिला मीनामर और द्रास में हुई लगातार बर्फबारी की वजह से दूसरे दिन भी श्रीनगर लद्दाख हाईवे को बंद करना पड़ा। भारी बर्फबारी से सड़क पर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। देखिए बीआरओ की टीम बर्फ हटाने की मशीन से सड़क पर जमी बर्फ को हटा रही है, जिससे हाईवे को यातायात के लिए खोला जा सके। श्रीनगर लद्दाख हाईवे लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी हाईवे से रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें लद्दाख पहुंचती हैं। 28 नवंबर को भी इसी हाईवे पर बर्फबारी के कारण बर्फ के स्खलन होने से 6 यात्रियों से भरी गाड़ी बर्फ में दब गई थी। तब बीआरओ के जवानों ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई थी। इधर मौसम विभाग का कहना है कि अभी और बर्फबारी होगी, जिससे हाईवे को खोलना मुमकिन नहीं है। अगले 48 घंटे में लद्दाख और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर और लद्दाख में हो रही बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।